ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्र शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 257 व्याचक्षतान्ते शास्त्राणि व्याचक्षतान्ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा वेदानध्यापयन्तु वा यत्र यत्राधिकारिणो मेतु यत्राधिकारिणो मेतु नाधिकारो क्रियत्वतः नाधिकारो क्रियत्वतः निद्राभिक्षे स्नानशौचे निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च नेच्छामि न करोमि च द्रष्टारश्चेत्कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात् किं मे स्यादन्यकल्पनात् कल हमने देखा दो प्रकार के प्रारब्ध कर्म होते हैं, एक प्रवृत्ति परायण प्रारब्ध कर्म होते हैं, दूसरे निवृत्ति परायण। तो अगर कोई निवृत्ति परायण जीवन है, जिनका जीवन मुक्ति अवस्था जो है वो जीवन मुक्ति अवस्था निवृत्ति परायण है, और अगर उनको कोई कह दे कि आप ज्ञानी हैं, आपको जगत कल्याण के लिए प्रवृत्ति करनी चाहिए, तो कल हमने देखा वो कह सकते हैं
व्याचक्षताम से शास्त्राणि वेदान अध्यापयन्तु वा। भले वो शास्त्र के व्याख्यान करे, भले वो शास्त्र का अध्ययन करा दे, भले वो कराते रहे, लेकिन मेरे प्रारब्ध के अनुरूप न ये अत्र अधिकारी न, उनके अधिकारित्व है, उनके प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनका वो अधिकारित्व है, वो करा रहे हैं, वो अधिकारी है। न मे अत्र अधिकार है, मेरा उनमें कोई अधिकार नहीं है, और इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं आराम से रहता हूं। आप देखो अपने स्वरूप में ही निवृत्ति परायण जीवन जी रहे हैं, और अगर मेरे प्रारब्ध में नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूं, मेरा कोई संकल्प है नहीं। आप समझ, तो इस प्रकार से कोई निवृत्ति परायण जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी जन इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। आप समझो अब तो प्रारब्ध अलग अलग है, और इसीलिए कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुरूप अगर उनके जीवन में इस प्रकार से लोक कल्याण की प्रवृत्ति है, आश्रम है, गौशाला है, संस्कृत पाठशाला है, बहुत कुछ होता है, भ्रमण करते रहे, अध्ययन कराते रहते। चिन्मयानंद जी आप देखो, स्वामी दयानंद जी महाराज देखो, बहुत सारे महात्मा थे, लेकिन ऐसे भी महात्मा है जो निवृत्ति परायण थे। आप समझ, उनके पास अगर कोई जाता था तो अध्ययन कराते थे, नहीं तो उनकी एक जीवन शैली थी, वो जीवन शैली के अनुरूप अपने जीवन वो जीते थे। और इसीलिए कहते हैं कि देखो, इसीलिए भगवान भी कहते हैं बहवः ज्ञान तपसा पूताः मद्भावम् आगताः। वहां भगवान कहते हैं कई लोग जो है वो एकांतवासी है, वो अपने स्वरूप में रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे है कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। बहुत सारे ऐसे भी है, बहुत सारे हैं जो कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी है जो कर्म नहीं करते हैं। आप समझो, और इसीलिए वो स्वयं कह सकते हैं मैं तो न अधिकार है, मेरा उनमें कोई अधिकार तो नहीं है, मेरे प्रारब्ध कर्म के अनुरूप ये नहीं है। आप समझो, देखो इसीलिए मैं कह रही हूं कि निवृत्ति परायण या प्रवृत्ति परायण जो महात्मा है उनकी कभी तुलना नहीं करनी है, तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रारब्ध अलग अलग है। अक्रियत्वतः, आप देखो, क्योंकि जो कर्म कर रहे हैं वो प्रवृत्ति पर है, वो भी अक्रियत्व ही, उनका भी अकर्तृत्व ही है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। आप देखो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य। आप देखो, तो जो अपने मस्ती में रहते हैं वो भी ज्ञानी जन ही है, जो प्रवृत्ति परायण है, जो उपदेश कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, शास्त्र का व्याख्यान करते हैं, पुस्तक भी लिखते हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं जो निवृत्ति परायण वो महात्मा ऐसे कह सकते हैं, न मैं अधिकार है, उनमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, और इसलिए मैं आराम से रहता हूं। अगर कोई ऐसा कहे तो एक और प्रश्न उठ सकता है कि आप कहते हो आप कुछ नहीं करते हो, लेकिन निद्रा है, भिक्षा है, स्नान है, शौच है, ये तो प्रवृत्ति आपको करनी पड़ेगी। शरीर यात्रा भी, शरीर जीवन, शरीर का निर्वाह के लिए प्रवृत्ति तो करनी पड़ती है, तो उसके लिए उत्तर देते हैं निद्रा भिक्षे स्नान शौच, द्विवचन है ना, निद्रा भिक्षे स्नान शौच। निद्रा है या भिक्षा है या स्नान है या शौच है, न इच्छामि न करोमि च,
मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई संकल्प नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है वो होते रहते हैं। निद्रा का समय है वो निद्राधीन हो जाता हूँ, भोजन का समय भोजन कर लेता हूँ, न इच्छा में न करो में, मैं कुछ करता नहीं हूँ और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है। दृष्टा रहस्येत कल्पयन्ति, आप देखो दृष्टा रहस्य कल्पयन्ति, अब देखो किम स्याद अन्य कल्पनात्, देखो ये बहुत सुंदर है, ये वाक्य बहुत सुंदर है, किम में स्याद अन्य कल्पनात, अन्य मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अन्य बारे में मेरे बारे में क्या अभिप्राय बना के रखते हैं, क्या कल्पना करके रखते हैं, उससे मुझे क्या है। अब देखो जो देखने वाले दृष्टा रहमानी जो देखते हैं, जो मेरा जीवन मेरी जीवन शैली जो देख रहे हैं, वो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, उनकी जो कल्पना करनी है वो जो भी करे वो करते रहते, वो जो भी अध्यारोप करते रहते हैं उनको अध्यारोप करने दो। दृष्टा रश्चेत कल्पयन्ते, अब बहुत सारे वो कल्पना करेंगे, बहुत सारे वो अभिप्राय बनाएंगे, लेकिन उनके अभिप्राय से अन्य कल्पना, अब देखो किम में स्याद, अब एक बार आपने अपने आप को अकर्ता अभोक्ता जान लिया है, फिर दूसरे जो है आपकी उपाधि के अनुरूप, आपकी प्रवृत्ति के अनुरूप, आपके प्रारब्ध के अनुरूप आपके बारे में कुछ भी अभिप्राय बना सकते हैं, ये उनसे आपको क्या है। आप समझो स्वामी जी हमेशा कहते थे कि अगर आपके मन को शांत रखना है तो पहले ये सीख लो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। हमारा आधा समय जो है ना इसी में जाता है, मेरे लिए वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, स्वामी जी इसलिए मजाक करते थे, व्हाट अदर्स विल थिंक अबाउट मी, ये सोच के थिंकिंग दिस ही विल गेट मैरिड। अब तो आपको विवाह करना है तो करो आपकी इच्छा से, लेकिन दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो भय से आप शादी कर रहे हो, आप विवाह कर रहे हो, आप देखो ये पागलपन है। आप समझ, और इसलिए कहते हैं दृष्टा रश्चेत कल्पयंती, कल्पयंती माने आरोप करते हैं, जो मेरे जीवन शैली देख रहे हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, वो मेरे जीवन शैली को देख के कुछ भी मेरे ऊपर आरोप कर सकते हैं, लेकिन उनके आरोप से अन्य कल्पना किम में से, अब हमें उसके कारण हमें विक्षिप्त तो होने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भी प्रकार से, अब देखो मनोविज्ञान की दृष्टि से भी अगर आप देखें ना तो ये बहुत स्पष्ट है कि दूसरे हमारे बारे में जो सोचते हैं वो सोचने दो, यू गिव फ्रीडम टू देम, आप उनको स्वतंत्रता दे दो, आपके बारे में क्या सोचते हैं उनके बारे में उनको स्वतंत्रता दे दो, लेट देम थिंक व्हाट दे थिंक, ये उनकी सोच है, आप उनकी सोच का विरोध मत करो। अब समझो मैं क्या कह रही हूं, समझ रहे हो, दूसरे की सोच का विरोध करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है उनकी सोच है, उनका अभिप्राय है, उनके बारे में हमें किम में स्याद, आप समझो, आप जब तक दूसरे को यह स्वतंत्रता नहीं देते हैं तब तक वो सब लोग आपके मन में बैठेंगे और आपको दुखी करते रहेंगे, आपको विचलित करते रहेंगे, आपको विक्षिप्त करते रहेंगे। अब देखो उसने मेरे बारे में वो कहा, उसने मेरे बारे में वो कहा, अब देखो जिसको जो कहना है वो कहे, हमें क्या है, अब देखो लेकिन हम वही सोचते रहते हैं। हमारा काम तो क्या है, तत्वपरायण है, साक्षी परायण है, हमें तत्व चिंतन करना है, और तत्व चिंतन अगर हमें करना है तो दूसरे क्या सोच रहे हैं वो सोचने का काम हमारा नहीं है। और इसलिए कहते हैं किम में स्याद, अब देखो किम में स्याद माने कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं है,
कि वो कुछ भी करते रहेंगे और सोचेंगे उसको जो कहना है कह, नहीं, वो है तो धर्मपरायण, ईश्वर परायण जीवन है, तत्वपरायण जीवन है, धर्मपरायण जीवन है उनका। लेकिन दूसरे क्या सोचते हैं वो सोचने की आवश्यकता है। दूसरे को आप स्वतंत्रता दे दो, उसको जो सोचना है सोचे। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप प्रश्न करेंगे तो कहेंगे जो प्रवृत्ति हो रही है वो प्रवृत्ति प्रारब्ध कर्म के अनुरूप हो रही है, न इच्छा में, मेरी कोई इच्छा नहीं उसे, न करो में, और मैं कुछ करता ही नहीं क्योंकि मैं करता अभोक्ता आत्मा हूं। यस्य नाहं कृत बुद्धि, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। अब देखो भगवान कहते हैं 18 अध्याय, यस्य नाहं कृत भाव नाहं कृत, मैं कुछ करता ही नहीं, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, और उनकी बुद्धि किसी भी प्रकार से लेपायमान होती नहीं है, विक्षिप्त नहीं होती, उद्विग्न नहीं होती है। अब वो क्या है, हत्वा सहिमान लोकान न करोति न निबध्यते। अगर उनके प्रारब्ध के अनुरूप युद्ध कर्म भी आ गया, उनको ये 3 लोक का नाश भी करना पड़ा, न करोति न निबध्यते, वो करता भी नहीं है और उनको बंधन भी नहीं है। आप समझो क्यों, यस्य नाहं कृत भावः अहंकृत न अहंकृत, अपने अकर्तृत्व अभोक्तृत्व जब आप बैठते हैं ना, तो न करोति अकर्तृत्व न इच्छामि अभोक्तृत्व। आप देखो इच्छा नहीं माने कि भोक्तृत्व नहीं है, न हम करोति, आप देखो दोनों है। आप समझो अकर्तृत्व भी है अभोक्तृत्व भी है, और एक बार अकर्तृत्व भोक्तृत्व है फिर दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे जो भी सोचेंगे ना वो आपकी उपाधि के अनुरूप सोचेंगे। जितना भी वो सोच रहे हैं वो तो जो देख रहे हैं ना, दृष्टा रहा, आप देखो दृष्टा रहा माने क्या है, उसे जो दिखता है, जो दिखता है वो तो इंद्रिय से दिख रहा है, तो इंद्रिय से जो उपाधि वो देख रहे हैं, इंद्रियों से जो वो प्रवृत्ति देख रहे हैं, उनके आधार पर आपके बारे में वो जो अभिप्राय बना रहे हैं वो तो इंद्रिय के आधार पर है, शरीर के आधार पर है। आप तो उनका अभिप्राय जो है उपाधि के आधार पर है, जब उपाधि के आधार पर अभिप्राय बनते हैं तो उनमें हमारे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सब किम में सद मुझसे क्या, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान इसलिए कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा भी होती है स्तुति भी होती है तुल्य, क्योंकि जो निंदा हो रही है या जो तुल्य माने, अब तुल्य माने समान, जो निंदा हो रही है जो स्तुति हो रही है वो उपाधि की दृष्टि से है, बाह्य दृष्टि से। आप समझो अगर ज्ञान की भी दृष्टि से अगर वो स्तुति कर रहे हैं तो वो क्या जानते हैं। अगर शंकराचार्य जी की मैं प्रशंसा करूं, शंकराचार्य का ज्ञान कितना था, आप देखो, अब शंकराचार्य जी की बुद्धि तो मैं नहीं देख सकती, मेरे सामने अगर कोई ज्ञानी है तो उनकी बुद्धि भी मैं नहीं देख सकती, उनका ज्ञान क्या है, वो जो बोल रहे हैं वो जो लिख रहे हैं उनके आधार पर मैं एक अनुमान कर रही हूं ना। या तो प्रत्यक्ष इंद्रियों से हम कुछ जानते हैं या तो फिर हम अनुमान करते हैं, उनके पुस्तक उनके प्रवचन, आप सोच समझते हो। तो हमारा उनके बारे में जो ज्ञान है वो उपाधि पर आधारित है, और वो प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष अनुमान आदि ज्ञान है, और इसीलिए जो निवृत्ति परायण महात्मा है वो कह सकते हैं किम में स्यात् अन्य कल्पनात्, अन्य लोगों का जो आरोप है, अन्य लोग जो मेरे बारे में कल्पना कर रहे हैं उससे मेरा क्या है, कुछ नहीं है। आप समझ, लेकिन हमें आदत बन गई है, हमें आदत बन गई है कि अन्य का हमें समर्थन लेने की एक आदत है, बाल्यावस्था से हम ये करते आए हैं। आप समझो,
जब तक अन्य का समर्थन नहीं मिलता है तब तक हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मैं ठीक हूं। बाल्यावस्था में वही करते थे हम, कुछ करते थे फिर हमारे माता को पिता को या बड़े जो भाई बंधु होते हैं उससे हम कहते हैं देखो देखो मैंने ये चित्र बनाया अब देखो। तो आप अपने चित्र से प्रसन्न है लेकिन दूसरे का समर्थन आवश्यक है। जब तक वो लोग नहीं कहेंगे हाँ बहुत सुंदर बनाया, जब तक वो ये वाक्य नहीं बोलते हैं तब तक हम यही नहीं सोचते हैं कि मैंने जो बनाया वो सुंदर है। अब देखो ये मनोविज्ञान है, अन्य के समर्थन की हमें आवश्यकता होती है। लेकिन जो ज्ञानी है उनको किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, आप समझो, वो स्वयं धर्म परायण है, वो स्वयं ईश्वर परायण है, वो स्वयं तत्व परायण है। अब देखो उनके किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं, और इसलिए कहते हैं किम में स्याद अन्य कल्पना, ये स्वतंत्र, इसको स्वराज्य सिद्धि कहते हैं। अपने धर्म में इतनी निष्ठा होनी चाहिए, हमारे तत्व में इतनी निष्ठा होनी चाहिए, इतना दृढ़ ज्ञान हमारा होना चाहिए कि अन्य के समर्थन की कोई आवश्यकता रहती नहीं है हमें। अब भक्ति भी करते हैं, वेदांत अध्ययन भी करते हैं, लेकिन वो गुरु के आंखों में हम समर्थन देखना चाहते हैं। पूज्य स्वामी जी हमेशा हमें कहते थे, हम जब स्वामी जी के पास पढ़ते थे अध्ययन होता था हमारा, तो सबको स्वामी जी का समर्थन चाहिए, स्वामी जी की आंख में वो समर्थन हम देखना चाहते थे और स्वामी जी समर्थन करते थे। अब अगर कुछ अयोग्य है अनुचित हम करेंगे तो वो भी स्वामी जी हमें कहेंगे। लेकिन देखो ये दूसरी बात समझो, जो अयोग्य कर्म है या अयोग्य अनुचित विचार जो है उनके बारे में स्वामी जी कहेंगे लेकिन व्यक्तित्व पर नहीं। आप समझो बाल्यावस्था में भी जब हम बात करते हैं अपने पुत्र से पुत्री से उनका रिजेक्शन उसको मनोविज्ञान में कहते हैं, तो उन हम व्यक्ति का रिजेक्शन नहीं कर रहे हैं। रिजेक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, अस्वीकार जो होता है। तो जो अयोग्य है अनुचित है उनका विरोध वो करेंगे लेकिन व्यक्ति को व्यक्ति का विरोध रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। माता पिता कई बार ऐसा करते हैं तो पुत्र या पुत्री के मन में ऐसा हो जाता है कि वी आर रिजेक्टेड, अनएक्सेप्टेड, हमारा अस्वीकार हो रहा है, हमारा रिजेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि समर्थन की आवश्यकता है। अगर समर्थन नहीं मिल रहा है या तो हम किसी से ऐसा तुलना कर रहे हैं, कई बार हम भी तुलना करते हैं, आप समझो माता पिता तुलना करते हैं ऐसा नहीं है, हम भी ऐसी तुलना कर रहे थे और अपने आप में ही हमारा अभिप्राय बना के रख देते हैं, हाँ वो तो इतना अच्छा है, वो इतना कर रहा है, उनकी मम्मी उनके लिए वो कर रही है, हमारी मम्मी तो कुछ करती नहीं। अब आवश्यकता नहीं है, ये आप है स्वामी जी, इसलिए हमेशा कहते थे एवरी पर्सन इज ए यूनिक पर्सनालिटी, आपका एक विशेष विलक्षण व्यक्तित्व है और आपका जैसा व्यक्तित्व अन्य किसी का संभव नहीं है, तो तुलना करने की आवश्यकता क्या है। माता पिता भी ये बहुत गंभीर होता है बच्चों के लिए, तुलना कर देते हैं, देखो ये बड़ा कितना अच्छा है, ये कर रहा है, तू तो कुछ करता ही नहीं। अब माता पिता भी ऐसे तुलना करते हैं, वो तुलना के कारण वो पुत्र के मन में ऐसा भाव आ जाता है कि मेरा रिजेक्शन हुआ है, मेरा अस्वीकार हुआ है।
अगर वो कुछ अयोग्य कर रहा है तो उनके लिए हम उसको डांट पाड़ेंगे, लेकिन व्यक्ति का विरोध नहीं करना है। देखो बहुत सूक्ष्म बात है ये, और इसीलिए जब तक अज्ञान था, जब तक अपरिपक्वता हमारे मन में थी, तब तक हमें दूसरे के समर्थन की आवश्यकता होती। लेकिन एक बार परमानंद पूर्णो हम, आप देख एक बार अपने को परमानंद पूर्ण स्वरूप जान लिया है, फिर किसी के समर्थन की हमें आवश्यकता नहीं है। आप सब, और इसीलिए ये प्रश्न, ये आक्षेप उसको कहते हैं कि मैं स्याद अन्य कल्पना, अन्य की कल्पना से अन्य मेरे पर कोई दोषारोपण करते हैं, उससे मुझे क्या है। पूज्य स्वामी जी के साथ भी ये होता था, ऐसा मत मानना कि सांसारिक जीवन में होता है, महात्मा के जीवन में भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्वामी जी का समर्थन नहीं करते थे, स्वामी जी का विरोध करते थे, अस्वीकार करते थे, फिर भी स्वामी जी उनके साथ आराम से रहते, ठीक है, वो छोड़ के भी चले जाते थे, स्वामी जी कुछ नहीं कहते थे। आप सब, ये उनकी स्वतंत्रता है, उनके उनका विचार क्या है, उनका अभिप्राय क्या है, वो उनकी स्वतंत्रता है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी थे, महाराज श्री के गुरु जी थे उड़िया बाबा, बहुत सुंदर कहते थे कि अगर कोई आपकी निंदा करते हैं, आप देखो अगर किसी ने आपकी निंदा कर दी तो बोले दो ही बात होती है, अगर किसी ने निंदा कर दी है तो या तो वो सत्य है या तो वो असत्य है। अगर वो सत्य है माने कि वो दोष आप में है, तो आपको उनको धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि आपका दोष दर्शा देते हैं जिसके कारण आप ये दोष से मुक्त हो सकते हैं, तो आपको दृढ़ ज्ञान हो सकता है। तो अगर वो जो निंदा कर रहे हैं वो सत्य है तो अच्छा है ना, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। और अगर जो निंदा कर रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो अयोग्य है, तो हम तितीक्षा बना लेंगे। अब तितीक्षा बनाओ, दोनों से ठीक है, आप समझो, सत्य है तो भी ठीक है, असत्य है तो भी ठीक है, हमारी हमारी जो तितीक्षा है, हमारी जो सहन शक्ति है, हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन विरोध करने की क्या आवश्यकता, रिजेक्शन की क्या आवश्यकता। लेकिन ये बात जो है ना, किम में स्यात अन्य कल्पना, अन्य के समर्थन की हमें आवश्यकता नहीं है जब तक ये ज्ञान नहीं होता। देखो इसीलिए अर्जुन भी भगवान का समर्थन मांगता रहा, और भगवान ने कहा अर्जुन मेरे सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है, तुझे ये ज्ञान है, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी परिपक्वता के आधार पर हमें निर्णय करना चाहिए। लेकिन हमारे निर्णय पर भी हम समर्थन मांगते हैं, और इसीलिए ये बहुत सुंदर वाक्य है, किम में स्याद अन्य कल्पना, अन्य का बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है हमें, हमें ईश्वर चिंतन करना है, हमें तत्व चिंतन करना है। और इसीलिए ये बातों पर हमें कभी भी ध्यान नहीं देना है। ये श्लोक के द्वारा कहते हैं कि अगर ऐसी कुछ बात है तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, उससे हमें क्या होता है, होता रहता है। क्योंकि जो निंदा करने वाले वही स्तुति भी करेंगे, जो स्तुति करने वाले हैं वो कभी निंदा भी करेंगे आपकी, आप दोनों करते रहते, ये संसार ऐसा ही है। और इसीलिए वो दृष्टा रहा माने कि वो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर, अपने अनुमान के आधार पर वो आपके बारे में कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, और वो जो कल्पना कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन उनकी असर आपके ऊपर होने की आवश्यकता नहीं है। किम में स्यात, आगे अब देखो उनका दृष्टांत देते हैं, ये
एक विचार रखते हैं और उनके लिए दृष्टांत देते हैं। देखो ये बहुत सुंदर श्लोक पढ़े। गुंजा पुंजादि दह्येत गुंजा पुंजादि दह्येत नान्यारोपित वह्निना नान्यारोपित वह्निना नान्यारोपित संसार धर्मान एवं अहम भजे नान्यारोपित संसार धर्मान एवं अहम भजे। बहुत सुंदर है। गुंजा श्री कृष्ण भगवान की ये प्रिय बीज है, आधे लाल होते आधे काले होते हैं, गुंजा कहते हैं उसको, गुजराती में उसको चणोठी कहते हैं। अब पुंज माने उसका ढग है, तो ये लाल रंग के होते हैं। अन्य आरोपित वहनिना न दह्येत, ये जो बंदर होते हैं ना वानर, वो जब ये देखते हैं ना तो उनका ऐसा क्योंकि वो चमकते हैं, वो जो गुंजा के जो बीज जो है वो चमकते हैं, चमकदार होते हैं। तो अगर उनका बहुत सारे ये बीज है एकत्रित हुए हैं और अगर उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो चमकता है, तो जो बंदर जो है वो क्या करेंगे, उनके ऊपर अग्नि का आरोप करते, वो सोच रहे हैं कि वो अग्नि है, मानी उष्ण है, गर्म है। तो कहते हैं कि ये गंजे गुंजा का जो पुंज है ढग है, उनके ऊपर अगर किसी ने अग्नि का आरोप कर दिया, अन्य आरोपित वहनिना, तो क्या वो जल जाएंगे? देखिए ना, देखिए किसी ने अग्नि का आरोप उनके ऊपर कर दिया, वो अग्नि है, वो गर्म है, अब तो क्या वो गुंजा के बीज जो है वो जल जाएंगे? नहीं, गुंजा बीज नहीं जलेंगे। उसी प्रकार से अन्य आरोपित संसार धर्मान, अन्य लोग आपके ऊपर संसार धर्म का संसार का आरोप कर रहे हैं, न एवं अहम भजे, लेकिन उस प्रकार से मैं नहीं भजे, मानी मैं इस प्रकार से सोचता नहीं, अन्य मेरे ऊपर संसार धर्म का अध्यारोप कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, करने दो, उससे मुझे क्या है। जिस प्रकार से गुंजा के जो ढग है उनके ऊपर अगर अग्नि का हमने आरोप कर दिया तो क्या वो जल जाएंगे? नहीं जलेंगे। उसी प्रकार से लोगों को क्या है, वो अनेक प्रकार के संसार धर्म का आपके ऊपर आरोप करते रहेंगे। अन्य आरोपित संसार धर्मान एव अहम न भजे, अब लेकिन उनका सेवन करने की, उनके ऊपर विचार करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं तो सब अपने अपने दृष्टि से अपने अपने अभिप्राय बनाते रहते हैं, अनेक प्रकार के संसार धर्म का आरोप भी करते हैं। देखो इसलिए मैं आगे कह के गई, ऐसा मत मानना कि ज्ञान हो जाएगा फिर सब वाहवाही होगी, कुछ वाहवाह नहीं होने वाली, बहुत सारी निंदा भी होती है, बहुत सारे आरोप भी होते हैं, बहुत सारे दोषारोपण भी होते हैं, संसार धर्म का भी आरोप कर देते हैं। लोग बोलेंगे ये तो संसारी है, ठीक है, ये उनकी दृष्टि से है ना, उनकी दृष्टि से आप संसारी है, उससे आपको क्या है। जिस प्रकार से गुंजा में अगर अग्नि का हम आरोप करेंगे तो गुंजा जल नहीं जाएंगे, उसी प्रकार किसी ने हमारे ऊपर संसार धर्म का आरोप कर दिया तो हमें उससे कुछ नहीं होता है। असंगोहम असंगोहम, देखो इसीलिए ये सब आवश्यक है, अपनी असंगता में भी हमें दृढ़ता प्राप्त करनी है। जितनी आपकी ये साक्षी निर्विकारी कूटस्थ असंग चैतन्य में आपकी दृढ़ता होती है उतना ये सब जो हो रहा है उनकी कोई असर आपके ऊपर नहीं होगी, आप लेपायमान नहीं होंगे, आप समझो, न करोति न लिप्यते। लेकिन आपकी वो असंगता में वो दृढ़ता आनी चाहिए। देखो इतनी ये सब शब्द आवश्यक है,
कूटस्थ, निर्विकारी, साक्षी, असंग, स्वतः सिद्ध, स्व प्रकार। अब स्वतः सिद्ध है, किसी के कारण आपकी सिद्धि नहीं हो रही है, आपके कारण ये सब की सिद्धि हो रही है, आप समझो। अब स्वतंत्र, स्व प्रकार, स्वतः सिद्ध चैतन्य है। और इसीलिए कहते हैं कि अन्य ने आपके ऊपर संसार धर्म का आरोप करके रख लिया, उससे आपको कुछ नहीं होता है। अब आगे शृण्वन्त्वज्ञाततत्त्वस्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहम्, जानन् कस्मात् शृणोम्यहम्। मन्यतां संशयापन्नानः, मन्यतां संशयापन्नान्, मन्ये अहम संशयः, न मन्ये अहम संशयः। जिनके ज्ञान में दृढ़ता हो गई है उनके लिए देखो ये श्लोक बहुत सुंदर है। भगवान इसलिए कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, उसको ऐसा ही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है ज्ञानी के लिए। तो अगर आप कहेंगे नहीं नहीं आपने आगे ही कहा था कि शास्त्र श्रवण स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, तो बोले आपको तो शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधि ध्यान आपको करना चाहिए। तो बोले कि ये भी नियम नहीं है, आप समझ क्यों। शृण्वन्तु अज्ञात तत्वाहाते, जिसको ये तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञात तत्व, वो भले श्रवण करे, शृण्वन्तु माने भले वो श्रवण करते रहे क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। जानन कस्मा शृणोम्यहम्, मैंने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है फिर मैं क्या श्रवण करूं। मन्यताम संशयापन्नाः, जिसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है वो अज्ञानी जन है, वो श्रवण करते रहेंगे, और जिसके मन में संशय है वो मनन करते रहेंगे। मन्यन्ताम संशय आपन्नाः, जिसके मन में संशय है वो मनन करते रहेंगे, जिसको अज्ञान है वो श्रवण करते रहेंगे, अज्ञान की निवृत्ति के लिए, संशय की निवृत्ति के लिए वो मनन करते रहेंगे। लेकिन मैंने एक बार तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, न मन्य अहम असंशय, मुझे मनन कर, न मन्य, मुझे मनन करने की आवश्यकता नहीं है, असंशय, कोई संशय मेरे मन में नहीं है। आप समझो, श्रवण की भी उनको आवश्यकता नहीं है, मनन की भी उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन में न तो अज्ञान है न संशय है। और इसलिए कहते हैं मुझे मनन की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे श्रवण की भी आवश्यकता नहीं है। आप देखो, जिसको अज्ञान है, अज्ञात तत्व, जिन लोगों को अज्ञान है, अज्ञात तत्व का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी जन भले श्रवण करे, जिसको संशय हो रहा है भले वो मनन करे, मुझे कोई श्रवण मनन की आवश्यकता नहीं है। आगे विपर्यस्तो निदिध्यासेत, विपर्यस्तो निदिध्यासेत, किम ध्यानम अविपर्ययात, किम ध्यानम अविपर्ययात, देहात्म विपर्यासम, देहात्मत्व विपर्यासम, देहात्मत्व विपर्यासम, न कदाचित् भजाम्यहम्, न कदाचित् भजाम्यहम्। बोले निदिध्यासन भी किसको करना है, विपर्यः विपर्यस्तः, जिसके मन में विपर्य बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, जिसके मन में देहात्म बुद्धि है, निदिध्यासे, भले वो निदिध्यासन करे, किम ध्यानम अविपर्ययात, मुझे कोई विपरीत बुद्धि रही नहीं है, मुझे कोई देहात्म भाव नहीं है, तो फिर क्या ध्यान मुझे करना है। देहात्मत्व विपर्यास विपर्यासम, न न विपर्य, ये देहात्म बुद्धि की विपरीत भावना मुझ में नहीं है, न कदाचित भजाम्यहम्, और इसीलिए ये मुझे निधिध्यासन की भी आवश्यकता नहीं है,
श्रवण की भी आवश्यकता नहीं है, मनन की भी आवश्यकता नहीं है और विपरीत भावना नहीं है और इसलिए मुझे किसी भी प्रकार से कोई निधि ध्यासन की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं। शास्त्र श्रवण मनन निधि ध्यासन जो है वो भी मेरे लिए कर्तव्य नहीं है, क्योंकि न तो मुझे अज्ञान है, न मुझे संशय है और न मुझे विपरीत भावना है। देखो ये सब साधन है। फिर प्रारब्ध के अनुरूप अगर शास्त्र श्रवण करवाना है तो वो शास्त्र श्रवण करते रहेंगे, मनन आप देख स्वाध्याय प्रवचन भी है, लेकिन अगर नहीं है तो भी ठीक है। देखो इसलिए मैं आगे आप तुलना मत करो, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं है। ठीक है, जिसके प्रारब्ध में है वो करेंगे, जिसके प्रारब्ध में नहीं है वो नहीं करेंगे। लेकिन अज्ञान है तो श्रवण करना है, संशय है तो मनन करना है, विपरीत भावना है तो निधिध्यासन करना है। लेकिन अब ये तीन रहा ही नहीं है तो मुझे न तो श्रवण की आवश्यकता है, न मनन की आवश्यकता है, न निधिध्यासन की आवश्यकता है। आगे अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्ययुम, अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्ययुम अमुम विपर्यासम चिराभ्यस्त वासना तो अवकल्प्यते, विपर्यासं चिराभ्यस्त वासना तो अवकल्प्यते। विना विपर्यासं अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार है, जो व्यवहार हम कर रहे हैं वो व्यवहार भी कैसे करेंगे, मनुष्य के अनुसार करेंगे, मैं मनुष्य हूं उनके आधार पर ही ये सब व्यवहार होगा। लेकिन ये व्यवहार मैं मनुष्य हूं उनके आधार पर ये सब व्यवहार हो रहा है, लेकिन विना विपर्यासम चिर अभ्यस्त वासनात, चिर अभ्यस्त वासनात दीर्घ काल पर्यंत इस प्रकार से अभ्यास मैंने करके रखा है, जिसके कारण जो वासना जो है वो वासना की निवृत्ति हो गई है, विपरीत भावना रही नहीं है। और इसीलिए जितने भी मेरे मनुष्य के रूप में व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार में वो विपरीत भावना नहीं है। आप सब विना अमुम विपर्यासम, मनुष्य व्यवहार हो रहा है लेकिन मैं मनुष्य हूं, देहात्म बुद्धि है, ऐसी नहीं है। आप समझ रहे हो, मैं मनुष्य हूं ऐसी विपरीत भावना के बिना ही वो सब मनुष्य जो व्यवहार कर रहे हैं, मनुष्य हूं ऐसा ही व्यवहार होगा, लेकिन जो विपरीत भावना जो है ना, मैं मनुष्य हूं ऐसी विपरीत भावना नहीं है। क्यों, चिराभ्यसवासनात्। देखो आगे इसलिए मैं कह के लिए, हमारी विषय वासना है, भोग की वासना है, हम जो शास्त्र श्रवण करते हैं उनको शास्त्र की वासना होती है, उनके ये अभ्यास की वासना होती है, बहुत सहज है उनके। दीर्घ काल पर्यंत या जब अभ्यास होता है तो ये शास्त्र की वासना बन जाती है, तत्व की वासना बन जाती है। और एक बार ये तत्व में निष्ठा हो गई दीर्घ काल निधिध्यासन के कारण, ये जो मैं मनुष्य हूं ये देहात्म बुद्धि है ही नहीं, भले मनुष्य के रूप में व्यवहार सब हो रहा है, जो भी व्यवहार हो रहा है वो मनुष्य के रूप में ही हो रहा है, लेकिन मैं मनुष्य हूं ऐसा जो विपरीत भावना है वो नहीं है, और वो संभव भी नहीं है। आप समझ, एक बार मैं पूर्ण परमानंद स्वरूप है जिसको ये ज्ञान हो गया है, उनको ये विपरीत भावना की कोई संभावना नहीं है, और इसीलिए भले वो मनुष्य के रूप में सब व्यवहार करते रहे लेकिन अंदर से वो मैं मनुष्य हूं ऐसी विपरीत भावना उनके मन में नहीं है। आगे देखो, ये गोल घूम के यहां ही आके खड़ा रहेगा।
प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते। प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते। कर्माक्षयेत्वसौ नैव कर्माक्षयेत्वसौ नैव शाम्य ध्यान सहस्रतः शाम्य ध्यान सहस्रतः। देखो बहुत सुंदर कहते कि एक बार जिसने ये दृढ़ता प्राप्त कर ली है, जो जीवन मुक्ति अवस्था है, जीवन मुक्ति अवस्था जिनकी है, तो वो क्या है, प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहार निवर्तते, उनका प्रारब्ध कर्म है तब ये सब होता रहता है। देखो इसलिए मैंने कहा गोल घूम के वो आएगा आपके प्रारब्ध कर्म, जीवन मुक्ति अवस्था में भी प्रारब्ध कर्म के अनुरूप ही सब होता है। तो कहते हैं जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक ये मनुष्य के रूप में सब व्यवहार होते रहेंगे, लेकिन जब प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाएगा तो ये व्यवहार की भी निवृत्ति हो जाएगी। कर्म अक्षये तु असौ नैव, बहुत सुंदर कि अगर उनके कर्म का क्षय नहीं हुआ है, कर्म का क्षय नहीं हुआ माने क्या है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, जिसने अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को जान लिया है उनके सर्व कर्म का नाश हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो ज्ञान रूपी अग्नि जो है उनके कारण जितने भी कर्म है सब कर्म भस्मसात हो जाते हैं, नाश हो जाता है उसका, कोई कर्म है ही नहीं। और इसीलिए किसी भी प्रकार से उनको मनुष्य व्यवहार करते हुए भी कोई कर्म उनके है ही नहीं। आप समझो कर्म क्षये तु असौ, लेकिन कर्म अक्षये जिनके कर्म का क्षय नहीं हुआ है, कर्म अक्षये, तो ये कर्म की निवृत्ति होगी। न शाम्येद, देखो ये जो बार बार मैं कह रही हूं ना, ध्यान सहस्रतः, अब हजार हजार प्रकार के ध्यान करते रहो लेकिन ये कर्म का क्षय कभी नहीं होगा, क्योंकि ध्यान स्वयं कर्म है तो वो कर्म का क्षय नहीं कर सकता। कर्म का क्षय एक ही कारण, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, या तो फिर तस्मिन् दृष्टे परावरे क्षीयन्त चास्य कर्माणि, जिसने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को जान लिया है उनके सर्व कर्म का नाश हो जाता है। ये मुंडक उपनिषद गीता में भगवान वही कहते हैं। तो कर्म का क्षय जो है वो तो ज्ञान से ही है, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, जिनके कर्म का क्षय नहीं हुआ है, वो कितने भी ध्यान करते रहे, कितने भी पूजा पाठ करते रहे, कर्म का क्षय नहीं होता है। अब देखो न एव शाम्येत, उनके कर्म कभी भी शांत नहीं होते और उनके मन में भी कभी शांति नहीं, कर्म से ही अशांति है। आप समझो जितने भी आपके मन में अशांति है, उद्वेग है, वो आपके राग द्वेष है, आपके कर्म है। और जिनके कर्म का क्षय नहीं हुआ है, न तो उनका मन शांत है, न उनका मन प्रसन्न है, आप कितना भी ध्यान करो, आप समझो ये ठीक से, आप ध्यान करो, भगवान भी ध्यान करने को कहते हैं, लेकिन ध्यान मात्र से आपके कर्म का क्षय नहीं होगा। और जब तक आपके कर्म का क्षय नहीं होता है तब आपका मन शांत नहीं होगा, आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, और ये जन्म मरण का जो चक्र है वो आप चलता रहेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। और इसलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि आप जितना भी ध्यान करना है, हजार सहस्र हजार प्रकार के आप ध्यान करते रहो, आप न शाम्यत, आपके मन में शांति नहीं होगी, क्योंकि आपके कर्म जो है ना, आपके जो राग द्वेष है वो आपको शांति से नहीं बैठने देंगे। अब तो
और इसीलिए हमारा जो लक्ष्य है वो तत्व ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तत्व ज्ञान से ही सर्व प्रकार के कर्म की शांति हो जाती है। और एक बार कर्म ही नहीं रहेंगे तो कोई व्यवहार भी नहीं रहेगा, और इसीलिए हमारा लक्ष्य जो है वो तत्व परायण जीवन जो है वही होना चाहिए, क्योंकि तत्व परायण जीवन से ही हमारे सर्व प्रकार के कर्म का भी नाश हो जाएगा। और जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो कोई व्यवहार भी नहीं रहेगा, मन भी शांत रहेगा। न करोति न लिप्यते, आप सब करते हुए भी वो कुछ नहीं करते हैं क्योंकि कर्म है ही नहीं। कर्मणि अकर्म यह पश्यत, कर्म करते हुए भी अकर्म यह पश्यत, कर्म है ही नहीं। जब कर्म नहीं है तो मन में कोई उद्वेग नहीं रहेगा, कर्म फल नहीं है, कर्म फल नहीं है तो जन्म मरण भी नहीं रहेगा। और इसीलिए कहते हैं कि आप हजार प्रकार के ध्यान करते रहो लेकिन कर्म का क्षय नहीं होता है, और कर्म का क्षय नहीं होगा न शाम्यत, आप देखो उनके मन में कभी भी शांति की अनुभूति नहीं होती है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम महिषाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यंक्षो भरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।